Good morning, students. Good morning. I welcome you all on Adda 247 UPSC channel. This is me, Nidhi Singh. आप सबका स्वागत करती हूँ मॉर्निंग एनसीईआरटी क्लास में. आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का जो 8-9 चैप्टर है ये हम करने वाले हैं. तो काइंडली ज्वाइन मी फास्ट, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. हेलो अलीशा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अलीशा जी, क्लास को शेयर कर दीजिएगा. ओके चलेगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. ओके तो ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स. ओके तो ट्रेडर्स, पिंस जो आपके और किंगडम्स, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें देखिएगा आपने. पेन इज नॉट वर्किंग. नया करते हैं तो ये हो जाता है. काइंडली ज्वाइन फास्ट. हेलो अमरीश जी, नुसरत जी, गुड मॉर्निंग. अरे 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 अरे, महाराजा धीराज क्या कुछ लिख रहे हैं. इन्होंने लिखा है, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है. मैं तो पीता हूँ बस. अच्छा उड़े जब जब. अच्छा 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 अरे अरे अरे, रियली दिलीप कुमार इज नो मोर. सच में ये कब हुआ? आज मॉर्निंग में. ओहो, सच अ बैड न्यूज, राइट? ही वाज आई थिंक अराउंड 93-95 प्लस ना. ओके चलिएगा. तो हम ना जो क्लास, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोड आप जो भी आप यहाँ पे परचेज करें कोई भी कोर्सेज, तो आप मेरा ही कोड यूज करें, Y326, राइट? तो Y326 दिस इज माय कोड. तो आगे बढ़ते हैं. तो जागिनी एट द मार्केट. तो इसमें पहले हमें क्या देखना है कि ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, मतलब किस तरीके से यहाँ पे जो व्यापारी व्यापार करते थे, राजा किस तरह से होते थे, क्या काम करते थे, और पिलग्रिम्स मतलब आपके जो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो वंस अपॉन अ टाइम से लाइक जागिनी वॉज अ स्कूल स्टूडेंट. तो इसके साथ भी यही मतलब एक स्टोरी के थ्रू जो शुरुआत की जाती है एनसीईआरटी में. तो बेसिकली ये हो जाएगा, राइट? थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, यू नो व्हाई. चलिए जी. तो हाँ जी, अच्छा, कौन जी, सॉरी महाराजा दिवाज. गुड मॉर्निंग गानी ज्ञानेश्वर जी, गुड मॉर्निंग अमरीश जी. ओ 98, काफी दिन से ये न्यूज में था कि वो बीमार चल रहे हैं, फिर एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए थे, और है ना, तो क्या कर सकते हैं. एज भी हो सकता है, वो एज भी हो चुका था उनका, है ना. रेस्ट इन पीस, इतना ही कह सकते हैं बस. चलिए तो हाउ टू फाइंड आउट, अब चले अपना जो आज का टॉपिक है ये खत्म करें. तो हमें ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता चलेगा, कहाँ से हमें पता चलता है ट्रेडर्स के बारे में, तो इससे जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि सोचिए हमने जो 8th चैप्टर में आपका पढ़ा था नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये बार बार आपको जो मैं बता रही थी कि नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये क्या होता है कि जो जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, ब्लैक कलर की पॉटरी होती है, ठीक है? तो इस तरह के जो आपकी पॉटरी, फाइन पॉटरी यहाँ पे बनाई जाती थी, स्पेशली बाउल्स, प्लेट्स, और इसमें सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स पे यहाँ पे पाई गई हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो बाद में सनौली हो, बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पर आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं, ठीक है?
तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं सबकॉन्टिनेंट में आई कहाँ से, क्या ये लोग वहीं बनाते थे या कोई और इसको यहाँ पे लाता था, ठीक है। जैसे कि ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का क्या काम सॉरी ट्रेडर्स का क्या काम हो जाता है, ट्रेडर्स का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जाना, और जो जगह पे उन चीज़ों का जो है वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है तो उन लोगों को वो चीज़ें जाके देना, ठीक है। तो ट्रेडर्स का काम ये हो गया। तो हमारे मन में ये जो है दिमाग में ये सवाल आता है कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सब थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट, चाहे वो आपकी हस्की हो, साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में हो, सब कॉन्टिनेंट मतलब जो आज अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ पे भी जो अपनी क्या थी जो भी प्लेसेस थे हमारी जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, थ्रू आउट हमें पॉटरी तो लगभग हर जगह मिली है। ऐसा तो नहीं है ना कि पॉटरी हमें सिर्फ एक ही जगह मिली है, पॉटरी और कहीं नहीं मिलती है, बताइए। पॉटरी हमें हर जगह मिलती है इंडिया में, है ना। तो ट्रेडर्स मी हैव कैरिड देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेसेस वेयर दे मेड टू सेल देम टू अदर प्लेसेस, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडर्स ही ऐसी जो है कम्युनिटी होती थी जो इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती थी, ठीक है। काइंडली शेयर द क्लास If you allow, okay, अमरीश जी बताइए क्या क्या रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है बताइएगा। Kindly do share the class, do like the class, थोड़ा सा शेयर करते रहिए, थोड़ा 30 तक लेके आइए स्टूडेंट्स को, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, हम थोड़ा थोड़ा टारगेट अपना करते रहेंगे, ओके। तो ये हमारा कौन हो गया, ये ट्रेडर्स जो थे हमारे, ट्रेडर्स ही ऐसी कम्युनिटी हो जाएगी जो हमें बताती है कि आपका एक जगह से दूसरी जगह चीजें हम लेके जाते हैं। साउथ इंडिया में क्या होता है, स्पेशली साउथ इंडिया में क्या फेमस है, गोल्ड, कोलार माइंस, ठीक है। कोलार माइंस कहाँ है, कोलार माइंस, वो KGF जो मूवी देखी ना आपने, गोल्ड माइंस, तो वहां पे आपका जो है गोल्ड फेमस था पूरे साउथ इंडिया में। स्पाइसेस कहाँ पे, केरला, ठीक है। स्पाइसेस कहाँ पे फेमस है बताइए, कौन से स्पाइसेस की हम बात कर रहे हैं। तो स्पाइसेस आपके जो जो जिसके लिए बेसिकली आपके यूरोपियंस इंडिया में आए, तो साउथ इंडियन स्टूडेंट बहुत कम आने लगे। हाँ जी अलीशा जी, कुछ हुआ है क्या, पता नहीं क्या हुआ है हमने तो इम्प्रूव ही किया है कुछ ना कुछ, राइट। देखिए कितने कुछ नए टूल्स मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए, बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं तो ऐड करती रहती हूँ, अब आप जाने चलिएगा। इसके बाद क्या होता है कि जो आपकी प्रिशियस स्टोन्स हो जाएंगी, पेपर हो जाएगा, पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर। तो ये जो चीज़ें हैं रोमन एम्पायर में आपकी बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था ना कि चोला जो था संगम पीरियड जो था उस टाइम पे रोमन एम्पायर का, यहाँ पे हमें कुछ सिक्के मिले हैं, हमें कुछ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जैसे हमें पता चलता है कि जो यूरोपियन साइट्स है आपकी वो यहाँ पे आपका व्यापार करती थी, वो ट्रेड करती थी। तो हम लोग क्या करते थे, बहुत पहले से ही जो यूरोप से ट्रेड करते थे, रोमन एम्पायर से हम ट्रेड करते थे। अब जैसे ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ब्लैक गोल्ड, साउथ इंडिया में ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है। अच्छा आपका डिस्ट्रिक्ट है कोलार, ओके, यू आर फ्रॉम कोलार, राइट राइट राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका ब्लैक गोल्ड जो ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है, ब्लैक गोल्ड जिसको बोला जाता है कि काला सोना, इतना ज़्यादा कीमती होता था जो यूरोपियन मार्केट में, राइट। अब जैसे आपका सी के थ्रू जाते थे हम, उसके साथ साथ जो आपका शिप्स लेके जाते थे, और बाय लैंड इन कारवांस, ठीक है। तो कारवांस होते थे, लैंड होती थी, तो इस तरीके से हम वहाँ पे, कारवांस क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स जब इकट्ठा होकर जाते हैं और अपना ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कारवां बोलते हैं, राइट। तो रोमन गोल्ड कॉइन्स होंगे यहाँ पे साउथ का, जो इंडिया में जब हमें ये मिले तब हमें पता चला कि हमारा इंडिया का साउथ इंडिया से भी व्यापार चलता था, ठीक है। अब इनके बारे में छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड व्हाई दीज जो आपके रीच इंडिया, अब ये सब लोग इंडिया में क्यों आए थे, ये कोई मुझे बता सकता है क्यों आए थे इंडिया में, इंडिया में क्यों आए थे ट्रेडर्स, एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं, मुझे बताइएगा। ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह इसलिए मूव करते हैं ताकि जो चीज़ें उनको वहाँ पे ना मिली उनकी जगह पे होती हैं वो दूसरी जगह सेल करने के लिए, और जो जो नई चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, सपोज जैसे इंडिया में क्या नहीं होता, इंडिया में हमारा एसाफटीडा, हम कई दिन पहले बात कर रहे थे, तो एसाफटीडा यहाँ नहीं होता है तो हम दूसरे देशों के पास जाते हैं कि हमें दे दो थोड़ा सा, खाने में स्वाद आएगा, दाल जो हम खाते हैं वो बड़ी फीकी सी लगती है हींग के बिना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रेड इज द नेसेसिटी, हम कोई भी सोसाइटी जब रहते हैं ट्रेड उसकी नेसेसिटी बन जाती है जब वहां पे हमें वो चीज की जरूरत होती है और हम उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। अलीशा जी वाला होगा क्या मैम, देखो क्रूड ऑयल, बिल्कुल, अगर हमारे पास क्रूड ऑयल है सफिशिएंट तो हम सऊदी से क्यों मांगेंगे, हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से क्यों मांगेंगे, हमें तो तेल के दाम बढ़ाएंगे नहीं हम इतने, हम 150, 100, 200 इतना तेल के दाम हमारे होंगे ही नहीं, है ना।
और अगर यहाँ पे हमारा जो है तेल नहीं होता तो हम बाहर के देशों से मंगाना पड़ेगा, तो हमारे दाम बढ़ेंगे और हमें उसको भुगतना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ज़रूरी है और है नहीं वो चीज़, ठीक है। और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है वो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों से बाय करना पड़ता है, राइट। नीरज जी नमस्कार, नमस्कार। मिडिवल पीरियड के ऑथर पे बुक्स पर एक क्लास कंडक्ट करा दीजिए, ऑथर और बुक्स, ठीक है, आई ट्राई। बट आई थिंक ये जो है यूपी वाले जो एग्जाम्स उनके लिए ऑथर और बुक्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी, यहाँ पे तो नहीं, यूपीएससी में ये चीज़ें नहीं, ये तो बहुत छोटी पार्ट है, ये शायद इसके लिए वो यूपी वाली जो क्लास है ना उसमें ये हो सकता है। और मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ फोकस ऑन योर प्रीलिम्स, ठीक है, आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, यूपीएससी की ही आप क्लासेस कीजिए स्पेसिफिकली, राइट, ओके। देन इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा, अब नेक्स्ट जो आता है अ पोएम अबाउट द ट्रेड, तो ट्रेड के बारे में आपकी जो है पोएम यहाँ पे बताई गई है। तो क्या है इसके बारे में कि कैसे जो है संगम पोएम, संगम मैंने बताया था, संगम लिटरेचर क्या है, ये बेसिकली बहुत सारे पोएट्स होते थे एक जगह बैठ के अपना जो लिटरेचर जो उनकी पोएम्स होती थी उनको यहाँ पे उसका कलेक्शन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि आपके जो गुड्स हैं कुहार, ये आपकी एक जगह हो जाएगी, इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्ट कोस्ट पे ये इंपॉर्टेंट एक जगह हो जाएगी कुहार, वहाँ पे जो है जो चीज़ें वहाँ पे लाई जाती थी, इसमें क्या होता था, स्विफ्ट पेंचिंग प्रेंसिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स, ठीक है। हॉर्सेस यहाँ पे नहीं होते थे, क्या हम खरीद के लाते थे, घोड़े खरीद के लाते थे। ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, ठीक है, तो हमारी ब्लैक पेपर होती थी वो कार्ट्स में यहाँ पे भरी जाती, तो मतलब एक तरह से दिखाया गया है कि ईस्टर्न कोस्ट का क्या नज़ारा था, ठीक है। सैंडलवुड था, ये यहाँ पे आपका वेस्टर्न हिल से लाया जाता था। आपका पर्ल्स है, पर्ल्स यहाँ पे सदर्न जो है सीज से लेके आया जाता था। कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन लेके जो है ईस्टर्न ओशन वहाँ से लेके आया जाता था। इसके बाद गंगा और जो क्रॉप्स है वो यहाँ पे कावेरी, यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, ठीक है, तो ये आपकी दिखाई जाती थी। देन इसके बाद फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से हम क्या लाते थे, खाने की चीज़ें, और म्यांमार से, ठीक है, पॉटरी जो है म्यांमार की बहुत फेमस होती थी। तो ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हम साउथ इंडिया में जो संगम लिटरेचर ने बताई हैं कि इन चीज़ों का व्यापार बेसिकली यहाँ पे होता था। देखो हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, आप क्रोनोलॉजी देखिए, आप एक एक चीज़ का जो है डीपली आप बढ़ते जाते हैं एनसीईआरटी में। शुरुआत में तो हमें ये भी नहीं पता था कि इंसान कब पैदा हुआ, कैसे उसको खाने को मिलेगा, कैसे कैसे वो रहेगा, तो शुरुआत में हमने वहाँ से की थी एनसीईआरटी का, ठीक है, याद है ना आपको, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, हम पास्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, हमने शुरुआत भी इससे की थी कि हमें यही नहीं पता था हिस्ट्री क्या होता है। और हम कहाँ पे आ गए हैं कि लोग अपने सर्वाइवल के लिए ट्रेडिंग करने लगे हैं, एक दूसरे से चीज़ें बदल के यूज़ करने लगे हैं, है ना, दूसरे देशों से व्यापार करने लगे हैं, तो यहाँ तक हम आगे बढ़ चुके हैं, राइट। इसके बाद जो रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, मतलब इम्पोर्ट जो है आपका सिस्टम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर नहीं, कॉमन रूप में उसका जो है ट्रेड नहीं किया जाता था, और उनका भी यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता है। जैसे मैं बताऊँ, अगर म्यांमार से सिर्फ आप पॉटरी लेने जा रहे हैं, म्यांमार से आप सिर्फ पॉटरी लेने गए हैं, सुरभि जी मैं यहाँ हूँ, अच्छा पायल जी नमस्कार, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग अतुल जी, ओके चलिए इसके बाद ट्रेडर्स क्या हो जाता था, ट्रेडर्स यहाँ पे सी रूट्स को जो है आपका एक्सप्लोर करते थे कि आपका एक जगह से दूसरी जगह कि किस तरीके से जाते हैं, कौन सा, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया था कोलंबस का, कोलंबस का एग्जांपल याद है आपको कि कोलंबस और जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में एक तरह से होड लगी हुई थी कि कौन जाएगा और सबसे पहले जो एशियन, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसको ढूंढेगा, उनको डायरेक्शन भी नहीं पता थी उस टाइम तक, ठीक है, उनके पास सिर्फ एक टूल होता था कंपास, कंपास को लेके वो लोग निकल पड़ते थे और उनका जो है डायरेक्शन कई बार वो गलत भी चले जाते थे, जाना होता था इंडिया, पहुँच गए अमरीका, ठीक है। तो इस तरीके से उनके पास गलतियाँ कर करके उन्होंने सीखा और नई नई जगह का उन्होंने क्या किया, खोज की, ठीक है। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका का पहले नहीं पता था, उसके जस्ट इंडिया की खोज के कारण ही अमेरिका का पता चल पाया है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या क्या होता है ये हमें पता चला है, और मॉनसून विंड जहाँ हमें लेके जाती थी क्रॉस टू सी मोर क्विकली, ये हेल्प करती थी, ठीक है। अब जैसे मॉनसून का सीजन आ गया, मॉनसून के सीजन में आपकी जो है साउथ वेस्ट मॉनसून है ये जब जाएगा तो इस डायरेक्शन में जो जा रहा होगा शिप, तो हवा के साथ साथ उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, है ना। अगर आप
अगेंस्ट द विंड चलेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, फोर्स ज़्यादा लगता है, फ्यूल ज़्यादा लगता है ना। और अगर आप जिस हवा जिस तरफ मुड़ रही है उस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ईजी हो जाएगा वो ट्रैवलिंग। तो इस तरीके से जहाँ हवा जाएगी जिस तरीके से आपका वहाँ पे ईजी हो जाएगा आपको चलना, ठीक है, समझ आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप जो है वेस्टर्न कोस्ट इस सब कॉन्टिनेंट अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है वेस्टर्न कोस्ट में, तो देखिएगा ईस्ट अफ्रीका आपका अरेबिया यहाँ पे हम पहुंच गए। अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं इंडिया का वेस्ट क्या हो जाएगा, इंडिया का वेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए ये इंडिया है, सपोज यहाँ पे हम बनाते हैं इंडिया है, ठीक है, तो हम वेस्टर्न कोस्ट तो हमारा ये हो गया ना, वेस्टर्न कोस्ट हमारा इधर से हो जाता है। चलिए तो वेस्टर्न कोस्ट इधर हो जाएगा अपना, और यहाँ से अगर हम जाएंगे, जैसे मैंने हड़प्पा का एग्जांपल दिया था आपको, हड़प्पा में क्या होता था, हड़प्पा में जब हम ट्राई करते थे कि हम व्यापार करें मेसोपोटामिया से, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे आपका 3000 किलोमीटर दूर तक हम शिप से जाते थे, पानी के रास्ते जाते थे, है ना। तो इस तरीके से हमने कौन कौन सी नई जगह देखी, ढूंढी, हमने ढूंढा है आपका जो हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज, और जैसे इजिप्ट है, इन कंट्रीज जो नई नई आपकी सिविलाइजेशन है ये हमने देखी। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं कि आपका मॉनसून, साउथ वेस्ट जो मॉनसून है इसके साथ साथ हम जो शिप है वो जाती थी, सीजन होता था, टाइम होता था, एक पर्टिकुलर इस टाइम पे आप जाएंगे, है ना। पहुंच गया यूरोप, अच्छा जाना था मालदीव, मालदीव कहाँ यूरोप कहाँ, ऐसे कैसे गलती हो सकती है। मालदीव मेडागास्कर तो थोड़ा समझ में आता है, मालदीव श्रीलंका तो थोड़ा समझ में आता है, पर ये कैसे पॉसिबल है ना। तो देखिएगा न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, अब कोस्ट के पास किंगडम क्यों बसने लगी, लैंड से ज्यादा लोग क्या करते थे, जो कोस्टल एरिया थे वो बहुत ज्यादा हाईली ट्रेड के लिए स्पेसिफिक होते थे, ठीक है, कि व्यापार इनसे ज्यादा होता था। अब जहां ज्यादा व्यापार होगा वहां उसके आसपास लोग ज्यादा बसेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट होता था, मनी मिलती थी, है ना, करेंसी मिलेगी आपके जो है, बार्टर सिस्टम से नई नई चीजें मिलेंगी, समझ आ रहा है। इसके साथ साथ आपका किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, अब सदर्न हाफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब जैसे कि आपका ये कौन कौन से हमारे स्टेट हो गए, आपका स्टेट हम मान के चलते हैं इधर से कर्नाटका हो गया, इधर से आपका तेलंगाना हो गया, इधर से आपका तमिलनाडु, ये जो हाफ है ना ये बेसिकली इनका पूरा सिस्टम बेस करता था ट्रेड पे। दोनों क्लास के टाइम में कुछ होता है मुझे, वैसे सही आवाज आती है। पता नहीं पूरा दिन आवाज ठीक रहेगी, और जब क्लास होती है बिकॉज कंटिन्यूस बोलना पड़ता है एंड आई हार्डली स्पीक्स, मैं क्लास के अलावा शायद ही बहुत कम बोलती हूँ, तो ये इस बहाने देख लीजिए क्या देखना है आपको, Y326 दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये देखिएगा, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। देखो बहुत सारी एडिटिंग आज मैंने की है खुद से, ओके चलिए अब मेरा ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ। तो क्या होता था कि सदर्न हाफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो ये पार्ट हो जाएगा ना कंट्री का, इस पार्ट में क्या होता था, पूरा इनका इकोनॉमी ट्रेड पे डिपेंड करता था, खेती होती थी या जो भी ये उगाते थे जो करते थे ये लोग, बट उस पर मेन चीज इनका डिपेंड करता था ट्रेडिंग पे। इधर इनको जाना होता था कहाँ पे, इधर आपकी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, इधर आपकी कौन सी, इधर आपकी जो मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया यहाँ पे, है ना, और इधर कौन सी, इधर अरेबियन सी आपका जो, और इसके थ्रू आउट कौन सी कंट्रीज हो गई, अरेबियन कंट्रीज हो गई, उसके साथ साथ आपका अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, है ना। तो यहाँ से हम वहां जाते थे,
ओके समझ आ रहा है, ये देखो मैप में। इसके साथ साथ इनके यहाँ पे क्या जो है चीजें चलती थी कि रिवर वैलीज यहाँ से आप जैसे आपकी कौन सी रिवर हो गई, मेनली कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई। जैसे कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, आज भी अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे ना तो कावेरी और उसके आसपास का जो एरिया है दोनों तरफ रिवर के, ये दोनों तरफ की जो जगह है यही ज्यादा पॉपुलर है, फर्टाइल होती है। जैसे आपकी कावेरी रिवर है, कावेरी का ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है। ओके इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आपकी जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है दोनों तरफ ही होती है। नीरज जी कुछ भी ले लीजिए, जब आपको गले, मुझे लगता है मुझे अपने गले का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ठीक है। अब आवाज में आप लोग बोलते मैम इतनी अच्छी आवाज आपकी, तो क्या करें, तो खराब हो जाती है मेरी आवाज, तो इतना नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो उसका परिणाम है एक्चुअली, तो मुझे गले का इंश्योरेंस करने के लिए जाना है आज। जाती हूँ मैं। ओके तो नए नए किंगडम्स और कोस्ट जो हमें क्या बताते हैं कि आपका जो मेनली जो सिटीज हैं, जो आपके देख आज भी आप देखिए, विशाखापट्टनम है, वाइजैग है, चेन्नई है, आपका इधर से जो त्रिवनंतपुरम है, ठीक है, ये जो आपकी सिटीज हो गई ना मेन, ये ट्रेड यहाँ से ज्यादा होता था क्योंकि कोस्टल एरिया से बेसिकली आपका जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें इंपॉर्टेंट होती थी। अब देखो यहाँ पे संगम अगर पोएम्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेंशन था मुविंडर। अब ये मुविंडर क्या होता था भाई, मुविंडर जो है आपका ये क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, ये तमिल वर्ड है, मतलब इसका है तीन चीफ, ठीक है, थ्री चीफ्स हो जाएगा इसका मतलब, यूज फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, जिसमें आपका कौन सा हो जाएगा, चोल चेर पांड्याज। तो तीन जो फैमिली हो जाएंगी जो साउथ इंडिया जिनकी वजह से रूल करता था, ये कौन सा है आपका जगह, ये जगह है आपका, देखो ये पूरा का पूरा जगह है, दिख रहा है ना साउथ इंडिया, इसमें आपका चोल चेर पांड्या, ठीक है, इसमें आपकी उनको क्या बोला जाता था, मुविंडर, ठीक है, मुविंडर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते उनको मुविंडर बोलते। हाँ जी, गुड मॉर्निंग निकी, गुड मॉर्निंग। इसके बाद यहाँ पे जो पावरफुल, देखो संगम जो टाइम है उसके टाइम से ही शुरू हो गया था वैसे, कि आपका तीन जो किंगडम है इन्होंने रूल किया है 2300 सालों तक, लगभग आपका 2300 साल पहले आपका जो है पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, सदर्न सब कॉन्टिनेंट, इसमें रूल किया आपने, ठीक है। इसके बाद ईच ऑफ द थ्री चीफ्स, ध्यान से देखिएगा इधर, यूपीएससी सीएससी, अगर आप क्रैकर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, ये देखिए क्रैकर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स में इंश्योरिटी के लिए, कि आपका जो है प्रीलिम्स है वो श्योरिटी से निकल जाए, इस बार कोई भी आपका जो है बीच में रुकावट ना आए, तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज मी, देखो जी यहाँ अपने फेस पे भी गोला कर देते हैं, ठीक है, तो दिस इज मी, तो दिखाई दे रहा है, हाँ जी। तो यहाँ पे ईच ऑफ द थ्री चीफ्स, मतलब तीन जो किंगडम है, चोल है, चेर है, पंड्या है, तीनों जो किंगडम्स यहाँ पे हो जाएंगी, वन इनलैंड मतलब टोटली जो लैंड के अंदर था, उसके साथ साथ आपका जो है वन ऑन द कोस्ट, एक कोस्ट पे था, कौन सा, किसी बात कर रहे हैं चेर की, जो कम्प्लीटली कोस्ट पे आता है। यहाँ पे देखिएगा चेर किंगडम किस तरह हो जाएगी, ये जैसे साउथ इंडिया है ना, इसमें जो चेर किंगडम हो जाएगी, मतलब जो आज का केरला है, ये हो जाएगा केरला, समझ आ रहा है, ये केरला का पार्ट हो जाएगा जो कम्प्लीटली कोस्टल एरियाज पे टच करता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा सिक्स सिटीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, इसमें से कौन सी हो जाएंगी आपकी, पुहार और कावेरी पत्तनम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुहार किसको बोलते थे, मैंने आपको पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, पुहार किसको बोलते थे, जल्दी बताइए, कैपिटल थी ये किसी की, कौन से चोल की कैपिटल थी पुहार, बताइए क्या था नाम था इसका। हाँ जी नीरज जी, पता चल चुका है हमें, ठीक है। सो द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुरई, इनको बोला जाता था कैपिटल ऑफ द पांड्यास, ठीक है, द पोर्ट ऑफ चोलास मतलब ये पोर्ट सिटीज, इन जो साउथ इंडिया में जो सिटीज का इंपॉर्टेंस होता था ना, ये उनकी लोकेशन पे होता था कि ये अगर कोस्टल है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अंदर की जो चीजें है ना वो बाद में डेवलप होंगी, पहले कोस्टल एरिया डेवलप होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका मेन जो ट्रेड होगा, और राजा की इनकम किस पे बेस करती है, ट्रेड पे, जितना ज्यादा ट्रेड करेगा उतना ज्यादा इनका इनकम होगा, ठीक है। अब देखिएगा तो इसके बाद यहाँ पे आपका जो है जो डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल, यहाँ पे जो है चीफ जो है इन रेगुलर टैक्स यहाँ पे कलेक्ट नहीं करते थे, उसके अलावा ये क्या करते थे, लोगों से गिफ्ट ले लिया, मिलिट्री एक्सपेडिशन कर दिया, नेवी बना ली बहुत बड़ी, जैसे चोल टाइम की तो नेवी उस टाइम की सबसे बड़ी जो नेवी होती थी, राइट। इसके बाद यहाँ पे जैसे आपके सोल्जर्स हैं उनकी फैमिली,
हाँ जी देखिए, तो अगर मेरी आवाज़ आपको धीरे धीरे समझ में आए, सुन पाएँ, तो मैं बता देती हूँ आपको। क्लास लेने में आया हूँ गया। अच्छा शिवा जी, नमस्कार नमस्कार मैम, ट्राई टू सम अप ऑल क्लासेस इन 40 मिनट। ज़्यादा समय लाइटिंग स्क्रीन इग्नोर कीजिए, ठीक है। एक्चुअली कई दिन से मैं यही कोशिश कर रही हूँ प्रखर, है ना, कई दिन से मैं यही कोशिश कर रही हूँ, बट क्या करें, थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करना पड़ता है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। इस वजह से तो ट्रेडर्स का इम्पोर्टेंस उनकी सिटीज से होता था। सिटीज़ में अगर ट्रेड की बात करूँ, साउथ इंडिया वाज ए इम्पॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ इंडिया इम्पॉर्टेंट होता था। अब 200 साल बाद जब संगम डायनेस्टी और ये शुरू हुई, तो उसके 200 साल बाद क्या हमें देखने को मिलता है, सातवाहना वेस्टर्न इंडिया में बहुत ही पावरफुल थे, जिनको आंध्रा हम बोलते थे। आंध्र प्रदेश में गुप्ता पीरियड के बाद जो इम्पॉर्टेंट जो किंगडम आपका हुआ, ये कौन सा हुआ, सातवाहनाज। उसने फ़ायदा उठाया जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था। वैक्यूम मतलब जब एक इम्पॉर्टेंट आपका जो किंगडम है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जब पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट होता है, उसमें आपका क्या होता है, नए नए जो राज्य है वो बड़े हो जाते हैं, वो अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं। तो उसमें सातवाहना था। इसमें यह राजा थे गौतमी पुत्र सत्कर्णी, ठीक है। इन्होंने क्या है, इन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने बताया था नाम, माँ के नाम पे, और नासिक में इनका जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इन्होंने बताया है कि गौतमी बलशरी इनकी माँ का नाम था, ही एंड अदर सातवाहना रूलर्स, उनको क्या दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता था। मतलब जो साउथ के राजा, जिन्होंने साउथ इंडियन जितने भी राज्य हैं उनको जीता हुआ है, उनको दक्षिण पथ के राजा बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे लिटरली द रूट लीडिंग टू साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज द नेम फॉर एंटायर साउथ इंडियन रीजन। तो कहने का मतलब है गौतमी पुत्र सत्कर्णी ऐसा राजा था जिसने पूरा एंटायर साउथ इंडिया जीत लिया था, ठीक है। और इसके बाद जो है ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न कोस्ट, इसकी जो आर्मी है हर जगह फैली हुई थी। अगर मैं आर्मीज के बारे में आपको बताऊं, तो एक बार ध्यान से ये जरूर देख लीजिएगा कि सपोज ये इंडिया है साउथ इंडिया, तो इसमें आपका यहाँ पे आंध्रा है ना, और इसने क्या किया गौतमी पुत्र सत्कर्णी ने कि इसने पूरा जो साउथ इंडिया है ना, इसको यहाँ पे इसने एक्वायर कर लिया, जीत लिया, समझ आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको क्या लगता है कि वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द कोस्ट, कोस्ट फिर से वही बात आ गई कोस्ट कोई राजा क्यों एक्वायर करेगा। अब जी कोस्ट इसलिए एक्वायर करेगा क्योंकि यही से तो मेन जगह थी जहाँ से ट्रेड होता था, समझ आ रहा है, ट्रेड की तो इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे, है ना। तो चलिए, तो ट्रेड की इंपॉर्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो मेनली जो है आपकी कोस्टल जो एरिया है उसको ये एक्वायर करने की कोशिश करते थे, ओके। अब स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, अब सिल्क रूट की यहाँ पे जो स्टोरी है उसके बारे में बता देते हैं। सिल्क रूट क्या था, जो चाइना से और यूरोप तक जाने वाला एक रास्ता था, जिसमें बेसिकली आपको क्या होता था, यहाँ पे आपको सिल्क रूट, जिसमें आपकी ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क, सिल्क एक तरह का कपड़ा होता था, और इसकी सबसे पहले सिल्क बनाने की जो कला थी, इसको किसने यहाँ पे पाया था, ये चाइना, चाइना ने इसको जो है ये जो आपकी सिल्क बनाने की जो उनकी जो डिस्कवरी थी ये वहीं पे हुई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, भाई ऐसा सुंदर कपड़ा आज तक लोगों को नहीं पता था होता है, पहले तो लोग पेड़ के पत्ते और जो कॉटन है आपका, जो बहुत टाइम के बाद जो थोड़ा सा थोड़ी सी जल्दी ही मतलब वो ख़राब हो जाता था सिल्क को फिर धीरे धीरे आपका माना जाने लगा किसका, आपका यहाँ पे राजाओं का, ठीक है, उसको रॉयलिटी उसके साथ जोड़ दी गई कि आपके जो राजा है वो सिल्क को पहनते हैं। तो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड ये बात पहुँच गई और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया सिल्क। तो सिर्फ आप समझ सकते हैं सिल्क की वजह से ईस्टर्न जो पूरा चाइना जो पूरा कम्प्लीटली ईस्ट में है दुनिया के, उधर से कम्प्लीटली वेस्ट में यूरोप तक ये सिल्क रूट लेके जाता था, सिर्फ सिल्क के कपड़े को। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सिल्क। अब ये होके जाता था इंडिया से भी, अब इंडिया के से निकल के जाएगा तो यहाँ पे भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी और लोग रहेंगे कि इसका स्मूथ टेक्सचर है। राजा अगर हो गया और उसके पास अगर सिल्क नहीं है तो भाई कैसा राजा है ना, तो राजा कैसा जब उसके पास सिल्क नहीं है पहनने के लिए। तो उस समय ये राजाओं के पास बड़ी ये मतलब आपकी जो बड़प्पन की जो चीज़ होती थी कि आपके पास अगर सिल्क है तो इसमें क्या होता था, मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और देखो अगर हमने या तो आज तक सुना था कि भाई सिल्क जो है आपके रेशे से बनेगा, कोई आपका नेचुरल फाइबर होगा या आपके पास कोई और जो चीज़ होगी उसके थ्रू आप सिल्क बनाएंगे, बट यहाँ पे तो सिल्क का बनाने का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ वॉर्म्स होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, उनको मार के हम सिल्क बनाते हैं। तो ये तो बड़ी मतलब अच्छी सी अजीब सी बात है, कोई यकीन भी नहीं करेगा इसको पहली बार सुनेगा।
तो लोग इसलिए बड़े सालों तक इसको बनाने में ही उनका मतलब जीवन चला गया, पर सिल्क नहीं ढूंढ पाए वो, जब तक चाइना ने उसको दुनिया तक नहीं बता दिया कि देखो इस तरीके से जो है आपका सिल्क बनता है, ऐसे कुछ मॉथ्स होते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं, उनको आप जो है रिफाइन करके आप क्या कर सकते हैं, उनका सिल्क का फाइबर भी बना सकते हैं जो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगर देन स्टील, स्टील से भी स्ट्रांग होता है सिल्क, पता है ना। चलिए इसके बाद जो आपका कैकून है, सिल्क वॉर्म्स है जो आपका बनता है, ठीक है, वॉर्म बनने का जो प्रोसेस है ये बताएगा। सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। उसके बाद जो मेथड्स है ये क्लोजली गार्डेड द सीक्रेट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हजारों सालों तक चीन ने किसी को बताया नहीं, इतना चालाक है चीन हमेशा से, आज से ही चालाकी नहीं है, बहुत सालों पहले से है। हाँ जी, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसी जो रास्ते से जो आपका जाता था, जो जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, यहाँ पे इंडिया भी आता था। चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क जो है रूलर्स ऑफ ईरान एंड वेस्ट एशिया, और वहाँ से वो जो नॉलेज ऑफ सिल्क है उसकी जो है वो वेस्ट तक पहुँची। लगभग 2000 साल पहले वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंगस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। अब रोम के लोगों को चस्का लग गया सिल्क का, ठीक है, और आप लोग भी आ जाइए क्रैकर बैच में शामिल हो जाइए जल्दी से, ओके। तो जल्दी से आप लोग इसका पार्ट बनिए क्रैकर बैच का। देन इसके बाद आपको इससे पहले भी मैंने बताया है कि जब सिल्क रूट और इसकी ब्रांचेस हैं, एक लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर जो है आपका अराउंड आई थिंक फिफ्थ फाइव या सिक्स था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो किंग्स थे यहाँ पे कंट्रोल करने का कोशिश करते थे जो भी सिल्क रूट होता था, क्योंकि अगर उस रूट पे उन्होंने जो है अपना रास्ता बना लिया, अपना उसको पार्ट को कैप्चर कर लिया, सपोज जैसे कश्मीर से होके जाता था, कश्मीर पे जो भी राजा कब्जा करेगा तो उसका सिल्क पे भी कब्जा होगा, समझ आ रहा है, और सिल्क उस टाइम पे आपका ट्रेजर होता था, जिसके पास सिल्क है वही सबसे धनवान है। तो इस तरीके से राजा ट्रेड के पर्पस को अपना जो है इज्जत की चीज़ बना लेते थे, समझ आ गया। तो सिल्क रूट को भी उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, बिल्कुल सही कहा शिवाजी। हाँ जी, शेयर कर दीजिए क्लास को, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, काइंडली शेयर द क्लास। इसके साथ साथ जैसे मैं आपको बताया कि जो है टैक्सेस यहाँ पे देते थे लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है टैक्स उनका बेनिफिट उनको मिलता था, अब क्योंकि जहाँ से वो ट्रेड जाएगा अब सिल्क रूट करेंगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना उनको, और जो गिफ्ट वहाँ के राजा को देने दे के जाना पड़ेगा, तभी तो वो रास्ता देगा उसको जाने के लिए, अदरवाइज रास्ता ही नहीं देगा, और रास्ता नहीं मिलेगा तो सिल्क जाएगा कहाँ जहाँ उसको जाना है। तो सिल्क रूट एक बहुत बड़ा व्यापार था हजारों सालों तक, जिसने रूल किया है पूरे वर्ल्ड को, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ से आपका जो है अब जितनी जो कीमती चीज़ जाएगी तो वहाँ पे जी आपके चोर भी होंगे, ठीक है, चोर उचक्के और ये सब भी होंगे कि भाई हमें फ्री में मिल जाए। कई लोगों को तो हमें मेहनत ना करनी पड़े, फ्री में मिल जाए कि मैम बस ये बता दीजिए कि क्या ये जो क्रैकर बैच है क्या इसको बस लेने से मेरा प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगा, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर मेरा क्रैकर बैच लेने से क्या क्लियर हो जाएगा। तो वही आपके रॉबर्स हैं जो इस तरीके से मैं आपका एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। हाँ जी, सस्ती साड़ी, ठीक है, समझ आ गया। तो रॉबर्ट्स भी यहाँ पे बढ़ने लगे। अब इनको कंट्रोल करने के लिए जो है सिल्क रूट, जैसे आपका कुषाण आ गया, कुषाण ने बेसिकली जो आपका कश्मीर का एरिया था, नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया हो गया उस टाइम को, उसको रूल किया था कुषाण, और इसका जो है आपका कुषाण किंग कौन था, कनिष्क, कनिष्क सबसे फेमस किंग था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उस रूल को, उस रूट को उन्होंने रूल किया था। अब यहाँ पे लगभग 2000 साल पहले क्या हुआ था कि आपका जो है जो मेजर दो हमारी सिटीज इंपॉर्टेंट हो गई, कौन सी, एक तो पेशावर और एक मथुरा, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पावर थी उनकी कुषाण की आपकी सिचुएटेड थी। तक्षशिला इसमें इंक्लूड की गई किंगडम में। ड्यूरिंग दिस रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो है आपका सिल्क रूट का ब्रांच है सेंट्रल एशिया से सी पोर्ट, मतलब आपका इंडस रिवर तक उसका जो है रूल आपका चालू था, ठीक है। शिवाजी कर दिया, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद क्या है, जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, इसके साथ साथ आपका सेंट्रल एशिया कौन सी कंट्रीज हो गई, जैसे अफगानिस्तान है आपका, इधर तजाकिस्तान एंड ऑल, उसके साथ साथ ये जो कंट्रीज हो गई, यहाँ से इसकी जो ब्रांच है सिल्क रूट की, ये सेंट्रल एशिया तक इसकी, और जो है इसका इंपोर्ट है इंडस रिवर, यहाँ से होकर जाता था। तो स्पेशली जो कुषाण रूल है वहाँ से अगर उसके रूल में इंडस आती है तो वो तो क्यों जाने देगा वहाँ से, है ना, उसको टैक्स भी लेगा, आपसे पैसे भी लेगा, आपको मार भी सकता है रास्ते में, गुस्सा आ गया तो उसे, है ना। तो रोमन एम्पायर जो है वेस्ट वर्ल्ड, जो सिल्क वेयर सिल्क वॉज शिफ्ट वेस्ट वर्ल्ड टू द रोमन एम्पायर, वहीं से कुषाण के रास्ते से। और इसके बाद कुषाणा वर अमंगस द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, जो सबसे पहले जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे इंडिया में, तो वो कौन थे, कुषाणास।
अब इसके बाद जो हो जाएगा, ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट दे वर यूज्ड बाय, अब जो रास्ते से वहां से होकर जाता था और उनको सोने के सिक्के मिल जाए तब वहां से सिल्क का व्यापार होता था। तो कहते हैं ना कि जब जरूरत होती है तभी उस चीज का जो है ओरिजिन होता है ना। तो आपका वहां पे ओरिजिन था कि वहां पे कीमती चीज के बदले ही कीमती चीज मिलेगी। अब सोने से कम थोड़ी था सिल्क, रेशम, रेशम जो है आपका सोने से कम थोड़ी था। इतनी महान चीज थी रेशम कि लोगों को पता नहीं था बनता कैसे है। चाइना ने 7000 साल पहले बन गया था चाइना के पास, पर चाइना ने हजारों सालों तक बताया नहीं, कहीं उसका जो पावर है, कहीं उसका पैसा कम ना हो जाए, कहीं जो लोग अगर बनाना सीख गए, अगर सिल्क घर घर में बनने लग गया तो फिर हमको कौन पूछेगा, समझ आ रहा है। तो इसीलिए सोने से उसको जो है खरीदा जाता था, कुषाण एम्पायर ये उसको मैनेज करता था, ठीक है, इंडिया में। अब देखो आपको क्या लगता है कि डिफिकल्ट यूज कार्ट्स अलोंग द सिल्क रूट्स, व्हाट डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू यूज कार्ट्स अलोंग द सिल्क रूट्स, मतलब यहाँ पे आप जो है बैलगाड़ी से जाते थे या कोई भी आपका कार्ट तो कुछ होगा ना, क्या वो डिफिकल्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई रास्ते में पहाड़ भी आ रहे हैं, रास्ते में आपकी जो है जो वैलीज भी आ रही हैं, रास्ते में आपका जो है जंगल भी आ रहे हैं, तो कार्ट्स को यूज़ करना कितना डिफिकल्ट होगा। अगर आज के जैसे एरोप्लेन होता तो फटाक से उड़ा के ले जाते है ना सारा सिल्क भर के, समझ आ रहा है। कल्चर फ्रॉम द स्तूपा एट सांची, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका ये स्कल्पचर है सांची से हो जाएगा। तो सांची में बेसिकली जो वहाँ की गिल्ड होती थी वो लोग जो व्यापार थे, और उसको मैंने बताया था आपको जो तोरण होता है, जो दरवाज़ा है उस पर आइवरी का काम किया गया है, तो उसको किसने किया था, आइवरी का काम करने वाले जो व्यापारी थे उन्होंने उसको गिफ्ट किया था, ठीक है, शुंग वंश में, है ना नीरज जी, बहुत बढ़िया। संगीति कैसे के रीन में, मतलब कनिष्क के, हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या बात है क्या बात है। तो शिवाजी बहुत बढ़िया आपने बताया। तो देखो यहाँ पे बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, बुद्धिज्म के स्प्रेड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपका स्प्रेड कैसे होता है कि जो आपका कनिष्क कुषाण रूलर जो कनिष्क होता है, लगभग 1900 साल पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी हमारी वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी, और शिवाजी ने बता दिया है, बिल्कुल सही शिवाजी। तो यहाँ पे देखिएगा जो अश्वघोष जो इसके क्या हो जाएंगे, उस समय राजा थे पोएट, हु अश्वघोष वॉज पोएट, ठीक है, वो मैं अच्छा तो समझ गई थी। तो अश्वघोष उस समय जो पोएट थे, हु कंपोज बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि अश्वघोष जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, और उसको जो संस्कृत में आज लिखा भी गया है, उसको जो है कन्वर्ट किया गया है, इन्होंने बताया था कि ये जो कनिष्क के टाइम पे आपकी जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें क्या कहाँ से नॉलेज मिलती है कि वहाँ पास में क्या हुआ था, जो लिटरेचर है वहाँ से, तो अश्वघोष का जो आपका बुद्ध चरित्र हो गया वहाँ से हमें पता चलता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, कि बुद्ध ने यहाँ पे जो है स्कल्पचर्स ऑफ पीपल ट्री ये दिखाया गया है, और ये क्या मतलब है इसका कि जो आपका है एनलाइटनमेंट बुद्धा को मिला है इसी पीपल ट्री से, ठीक है, इसी पीपल ट्री से आपको एनलाइटनमेंट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो पीपल ट्री आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये पीपल ट्री है, ओके। इसके बाद देखेंगे जो बहुत सारे स्टैचूज हैं इसमें दिखाए गए हैं, जो मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा। अब देखो मथुरा की क्या पहचान है कि मथुरा में बना, एक तो वो रेड स्टोन से बना होगा, ठीक है, एक उसकी फिनिशिंग इतनी बढ़िया नहीं होगी, ठीक है, उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। अब देख रहे हैं ना, मतलब मन किया ऊपर से बहुत चौड़ा बना दिया, नीचे से बहुत पतला बना दिया, ठीक है, इस तरीके से अपनी जो फिनिशिंग आपको जो गांधार आर्ट में मिलेगी वो मथुरा आर्ट में नहीं मिलेगी। पता है ना हमारे गांधार आर्ट, अमरावती और मथुरा तीन स्कूल होते थे, हम जो स्कल्पचर बनाते थे मूर्ति कला बनाने के स्कूल होते थे, है ना। तो इसमें मतलब इस स्टाइल में, मथुरा स्टाइल में स्कूल, मतलब ये स्कूल नहीं जैसे हम आज जाते हैं, आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा, बिल्कुल सही कहा। लास्ट काउंसिल हीनयान और महायान जहाँ से डिवाइड हो गया, महायान मतलब जहाँ पे बुद्ध को भगवान मान लिया गया, हीनयान उनको जो पहले उनका रूप था सबसे पहले वाला गुरु वाला वही कंटिन्यू रहा, ठीक है। चलिए थारवीर जिसको बोला जाता है, चलो मथुरा में के बाद हम देखते हैं कि बोधिसत्वा। अब जी बोधिसत्वा क्या है, बोधिसत्वा वो जो सेकंड चेंज वाज बिलीव इन बोधिसत्वा, दीज वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन अलाइनमेंट, मतलब जो बुद्ध के रास्ते पे चलते, बुद्ध ने क्या किया था, घर छोड़ दिया था, मेडिटेशन पे बैठ गए थे, और सालों बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो
ऐसे लोग जिन्होंने बुद्ध के बाद ज्ञान प्राप्त किया है, जो उसी रास्ते पे चल रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के, मेडिटेशन के, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बोधिसत्वास। तो बोधिसत्वास के बारे में बताते हैं। और वंस दे अटेंड एंड एनलाइटनमेंट, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेशन इन पीस, ठीक है। और अगर उनको एक बार जो है मिल जाती थी क्या एनलाइटनमेंट, तो वो क्या करते थे, जो कंप्लीट आइसोलेशन में चले जाते। जैसे ये देखो आप, है ना, कि स्वर्ग के देवता है और ये जो जिनको बोधिसत्वास हैं, तो ये वो बताने की कोशिश की गई है इस आर्ट फॉर्म से। समझ आ गया? अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं। ये देखो, ये गांधार का बुद्धा है, गांधार आर्ट फॉर्म है। अब ये जो है एन इमेज जो आपका बुद्धा फ्रॉम मथुरा, और राइट एन इमेज फ्रॉम द बुद्धा फ्रॉम तक्षशिला। दोनों में डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस समझ आ रहा है? थोड़ा सा मुझे कुछ समझाएंगे आप? देखो यहाँ पे जो बुद्धा है ना, इसकी देखो आईज बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, जैसे मेडिटेशन में है। और यहाँ पे सेम बात है, बट इसके पीछे हालो आपको मिलेगा। हालो, ये देखो, ये हालो है, गोल गोल दिखाया गया ना, ये गोल गोल को हम क्या पीछे बोलते हैं? हालो बोलते हैं। तो ये इसके पीछे जरूर होगा। फाइन लाइंस मतलब फैब्रिक में आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस। ये देखो कितनी जो फाइन लाइन है यहाँ पे कपड़े में, एकदम बारीकी से उसको दिखाया गया। प्लास्टर का यूज यहाँ पे ज्यादा किया गया है, ठीक है। अच्छा जी, जरूरी है क्या? ठीक है जी, शिवा जी। अच्छा, अब करने दो उनको भाई, उनका इच्छा है। चलो जी, तो यहाँ पे जो मथुरा जो है आपका, मथुरा में इनको थोड़ा सा देखो पेट है इनका निकला हुआ है, थोड़ा सा मोटे दिखाए गए हैं, ठीक है। उनको मतलब ज्यादा इसमें फिनिशिंग नहीं है, पर यहाँ पे बुद्धा को एकदम ऐसा दिखाया गया जैसे जिम में जाते हैं रेगुलर, ठीक है, एकदम रेगुलर जिम में जाते हैं जी। बहुत बढ़िया इनका फिजिक है पूरा, इस तरीके से बुद्धा को यहाँ पे दिखाया गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा हो गया, चाहे आपकी दूसरी मुद्राएं हो गई, इस तरह की जो मुद्राएं हैं आपकी, ये यहाँ पे बड़ी फाइन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से बताई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा फिर और क्या बताया गया है, कि जैसे आपके मोनेस्ट्रीज, आपकी केव मोनेस्ट्रीज यहाँ पे पाई जाती थी। जैसे आपका ये है कौन सी, केव ऑफ एट कार्ले, कार्ले जो आपकी, जिसमें आपकी कौन सी गुफाएं पाई जाती है कार्ले में, आपकी चैत्यास, ठीक है, चैत्यास, जो आपकी असेंबलीज होती थी जहाँ पे बौद्ध भिक्षु बैठ के क्या करते थे, डिस्कस करते थे, बौद्ध भिक्षु बैठ के जो है नई नई चीजों पे बात करते थे, ठीक है। अब जो है बुद्धिज्म को श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तक भी स्प्रेड किया गया, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। तो ये चीजें हो गई। अब क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम, पिलग्रिम क्या होता है जी, ये हमको देखना है, पिलग्रिम के बारे में हमको देखना है। इसमें देखिएगा, शिप्स पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल्ड विद देम, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कि ट्रेडर्स जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह कारवांस में जाते थे, और पिलग्रिम जो मतलब आपकी पूजनीय तीर्थ स्थान होते थे वहाँ पे जाते थे। आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू द होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप, जिसको हम तीर्थ स्थान बोलते हैं, मतलब पूजा पाठ के जरिए जो उनके लिए बहुत ही सैक्रेड प्लेस होता है उस जगह पे वो लोग जाते हैं। तो जितने भी आपके लोग हैं वो मिलके अगर जाते हैं तो उसको हम तीर्थ यात्रा बोलते हैं, है ना। तो आपका बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है शिप्स के जाते थे, पैदल जाते थे, है ना, मतलब जंगलों से होते हुए जाते थे, तो ग्रुप में जाते थे लोग, कोई भी तीर्थ स्थान पे जाते थे। अब जैसे इसका एग्जांपल है बुद्धिस्ट पिलग्रिम, बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाहियान, उसको पिलग्रिम क्यों बोला गया, क्योंकि बुद्ध यहाँ पे आए थे, भगवान जो है फाहियान आए थे भगवान बुद्ध की खोज में, ठीक है, उनके ज्ञान की खोज में, कि कहाँ से उनको इतना ज्ञान मिला कि पूरी दुनिया आज उनकी जो है उनकी पूजा करती है। तो लगभग 1600 साल पहले, और आपके ह्वेनसांग जो 1400 साल पहले हर्षा के टाइम पे आए, फाहियान किसके टाइम पे आए थे, गुप्ता पीरियड में, चंद्रगुप्ता द सेकेंड, ठीक है। और इसके साथ साथ दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के टाइम पे आते थे। और यहाँ पे आपका जो है नालंदा में गए वो, और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग जगह जहाँ जैसे लुम्बिनी में पैदा हुए वहाँ होके आए। तो इस तरीके से बुद्ध की जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में उन्होंने जाना, ठीक है, इसको हम पिलग्रिम बोलते हैं। इसमें बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं और जो उन्होंने विजिट की। इसके साथ साथ आपकी जो है हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना, देखो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या बताया गया है कि जो फाहियान है ये अपना बंगाल के रास्ते से होते हुए चाइना गए, और उन्होंने शिप लिया, और उसमें जो है कुछ मर्चेंट्स मतलब कुछ व्यापारी लोग जा रहे थे उसमें। तो उन्होंने क्या किया कि वो ट्रैवल फॉर 2 days व्हेन दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, मतलब हार्डली 2 दिन वो चले होंगे, तो उसके बाद एक तूफान आ गया। तो तूफान के बाद यहाँ पे क्या होता है, मर्चेंट्स उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी किताबें थी ना, जो भी मतलब किताबें नहीं सॉरी जितनी भी चीज़ें थी वो उन्होंने वहाँ पे समंदर में पानी में फेंकना शुरू किया, कि जो शिप का वजन है वो थोड़ा कम हो जाए, है ना। इससे क्या होगा कि हमारा शिप डूबने से बच जाएगा, हम डूबने से बच जाएंगे। काइंडली डू शेयर द क्लास, लाइक तो कर दीजिए, क्या बात है, लाइक भी नहीं कर रहे आप लोग।
बड़ा ही खराब एक्सपीरियंस है, जल्दी बताइए। ओके तो ये स्टोरी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता था कि वो जितने भी मर्चेंट्स थे उन्होंने अपना शिप से बाहर सामान निकालना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो फाहियान की जब बारी आई तो उसने उन्होंने क्या किया, पर्सनल बिलोंगिंग तो उन्होंने फेंक दिया, कपड़े फेंक दिए, जूते फेंक दिए, सब फेंक दिया, पर उन्होंने किताबें नहीं फेंकी जो उनका एंड द स्टैचूज ऑफ बुद्धा कि मतलब जिस चीज़ के लिए अपनी पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया, इतने साल वो यहाँ पे 7 से 8 साल वो रहे इंडिया में, और वो किताबें जो यहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया, जो जो यहाँ से उन्होंने सीखा वो सब चीज़ें वो यहाँ पे उन्होंने पानी में नहीं फेंका, ठीक है। दैट ही हैड कलेक्टेड फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days, 13 दिन तक वो पानी में स्ट्रगल करते रहे। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स द सी, इस तरीके से उन्होंने मतलब समुंदर को दिखाया बताया है अपनी किताबों में, अपना जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उन्होंने कि देखो द सी इट सेल्फ इज अ बाउंडलेस इन एक्सटेंट, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाला था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट, हमें पता ही नहीं था कौन सा रास्ता कहाँ है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन मून एंड द स्टार्स ऑन देयर मोशन, हम बस उनके ऊपर देख के आसमान में हम तारों के अंदाज़ा लगा के कि अभी दिन है रात है, कौन सा जो है आका हम दिशा में चल रहे हैं। इट इज़ डार्क रेनी वेदर, द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड, मतलब सिर्फ हवा के रास्ते ही चला जाए। इट टुक मी मोर देन 90 days टू रीच जावा, जावा पहुँच देखो बे ऑफ बंगाल से, बंगाल से निकल के उनको जो है जावा तक पहुँचने में 20 दिन लग गए, कैन इमेजिन, और वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months, जहाँ वो 5 महीने तक रुके बिफोर बोर्डिंग अनदर शिप, मतलब उनका डर निकलने के लिए उस समंदर का, और वहाँ पर उनको 5 महीने लग गए, कैन इमेजिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे, बाकी की क्लास हम कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग अगर इंटरेस्टेड हैं प्रिलिम्स क्रैकर बैच में तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। प्रिलिम्स क्रैकर बैच में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।